ये कहानी एक मसाज देने वाली लड़की की है जिसके साथ सब लोग शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, और फिर कौन कौन उसके साथ क्या क्या करता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम मैरी को देखते हैं। वो एक मॉडल होने के साथ साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी और अपने कॉलेज की फीस देने के लिए वो मसाज का काम भी करती है। कॉलेज के बाद मैरी की मुलाकात जिमी नाम के एक क्लाइंट से होती है। जिमी उसे सर्विस के लिए अपने घर ले जाने आया था। दरअसल मैरी का काम ही था घर जाकर लोगों को मसाज देना, और अगर इस दौरान क्लाइंट का मन कुछ और करने का हुआ तो मैरी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करके उनके साथ वो काम भी कर लेती है। इसके बाद मैरी जिमी के साथ उसके फ्लैट पर आ जाती है, और मसाज के बाद जिमी मैरी को अलग अलग तरीके से जानवर बनाता है। इसके बाद मैरी की मीटिंग एक फीमेल मॉडल मेलिसा के साथ होती है। मेलिसा मैरी को सबसे पहले लंच करवाती है। इसके बाद वो मैरी को अपने साथ घर ले जाती है। मेलिसा का घर देखकर मैरी समझ जाती है कि मेलिसा एक बहुत अच्छी मॉडल है। इसके बाद मैरी मेलिसा को मसाज देती है, जिसके बाद मेलिसा का सारा पेन खत्म हो जाता है। मसाज के बाद मेलिसा मैरी से कहती है, एक फैशन मैगजीन में मेरी जान पहचान है और मैं तुम्हारी फोटोज उस मैगजीन में भेज सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें फ्री में मुझे मसाज देना होगा। और मैरी मेलिसा की इस बात को मान जाती है। नेक्स्ट डे मैरी मेलिसा से मिलती है। मेलिसा उसे मॉडल वाली ड्रेस देती है। यहीं पर मैरी जॉनी से मिलती है। जॉनी एक फोटोग्राफर होता है। इसके बाद जॉनी मैरी की फोटोज लेता है। फोटोशूट करते टाइम दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। फोटोशूट कराने के बाद मैरी वहां से चली जाती है। मैरी के जाते ही मेलिसा और जॉनी एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, और जॉनी मेलिसा दोनों जमकर जन्नत की सैर करते हैं। अगले दिन हम मेलिसा को जिम में देखते हैं। वहां वो अपने एक फ्रेंड गाय से मिलती है। वो मेलिसा को किसी प्रोड्यूसर से मिलवाने के लिए बोलता है। दूसरी ओर हम जॉनी को देखते हैं। वो मेरी को कॉल करके घर पर बुलाता है और कहता है, तुम्हारी फोटोज प्रिंट होकर आ गई है। मैरी भी अपने फोटोज देखने के लिए एक्साइटेड होती है। इसके बाद मैरी जॉनी के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर वो अपनी फोटोज देखकर काफी हैरान हो जाती है। इसी दौरान जॉनी मैरी से फ्लर्ट करते हुए उसके करीब आने लगता है। पहले तो मैरी जॉनी को मना कर देती है और कहती है, मेलिसा तुम्हें पसंद करती है इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती। लेकिन जॉनी मैरी से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनते ही मैरी जॉनी के साथ बिस्तर गर्म करने लगती है। यहाँ पर जॉनी पोजीशन बदल बदल कर मैरी को जन्नत की सैर कराता है। लेकिन जॉनी जिस तरह से उसकी ले रहा था, ये एक्सपीरियंस मैरी के लिए भी नया था। अपनी प्यास मिटाने के बाद जॉनी एक रूम में जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं। और थोड़ी देर पहले जॉनी ने मैरी के साथ जो कुछ भी किया था वो सब कुछ कमरे में रिकॉर्ड हो गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब एक फ्रॉड है और इनका काम लड़कियों को फंसाकर बस उनका वीडियो बनाना है। उसी रात मेलिसा भी जॉनी के साथ पलंग तोड़ना चाहती थी, लेकिन जॉनी तो अपना सारा दही मैरी के साथ निकल चुका था। जॉनी की हालत देखकर मेलिसा सारा माजरा समझ जाती है। इसके बाद वो सीक्रेट रूम में जाती है। यहाँ वो देखती है जॉनी ने मैरी की कैसे कैसे ली थी। ये देखकर मेलिसा को जलन होने लगती है, और नेक्स्ट डे वो दोनों मैरी को अपने घर पर शिफ्ट होने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग उसकी अच्छे से वीडियो बना सके। इसी दौरान मेलिसा और जॉनी एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं ताकि मैरी को उन पर शक ना हो। यहाँ पर जॉनी मेलिसा को मैरी की फोटोज दिखाता है। मेलिसा उन फोटोज को लेकर एक बूढ़े आदमी के पास जाती है, और वो एक दलाल होता है। वो फोटोज और वीडियो के बदले में मेलिसा को पैसे देता है। पैसे मिलने के बाद मेलिसा और मैरी शॉपिंग के लिए जाते हैं। इसी दौरान मेलिसा मैरी को बताती है कि आज जॉनी का बर्थडे है। यहाँ पर हम कुछ लड़कों को देखते हैं, वो लोग मेलिसा और मैरी का पीछा कर रहे थे। उधर जॉनी बर्थडे पार्टी वाले एरिया में भी कैमरे सेट कर देता है। इसके बाद रात में तीनों पार्टी करने लगते हैं। यहाँ पर ये लोग एक गेम खेलते हैं जहाँ जॉनी मेलिसा को डेयर देता है वो मेरी को किस करें। इसके बाद जब दोनों किस करना शुरू करते हैं तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ पर जॉनी भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेता है और उन दोनों के बीच में जमकर घबा घब करता है। नेक्स्ट डे मैरी जिमी से मिलती है। जिमी उसे फिर से होम सर्विस के लिए कहता है, लेकिन मैरी उसे मना कर देती है। वो लड़के जो उनका पीछा कर रहे थे, मैरी के जाने के बाद वो जिमी से मिलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब पुलिस वाले हैं और उन्हें मेलिसा और जॉनी के काम पर शक है, इसीलिए वो मैरी के पीछे लगे हुए हैं ताकि वो मैरी को गवाह बनाकर उन दोनों का पर्दाफाश कर सके। फिर रात में मैरी जब घर आती है तो वो देखती है कि घर पर पुलिस की रेड पड़ी है।
फिर पुलिस वाले मैरी को उसकी वीडियो दिखाकर समझाते हैं कि ये लोग तुम्हारी वीडियो बनाकर यू नाम के एक आदमी को भेजते हैं। ये सब सुनकर मैरी शॉक हो जाती है। इसके बाद सार्जेंट मैरी को लेकर यू के पास जाता है। वो कहता है ये तुम्हारी वीडियो को एक एडल्ट साइट पर अपलोड करता है। यहाँ पर सार्जेंट मैरी को उसकी वीडियो भी दिखाता है, लेकिन जिस तरीके से वो मैरी को देख रहा था, ये देखकर मैरी समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए। इसके बाद सार्जेंट मैरी को मसाज के लिए कहता है, लेकिन मैरी जानती थी कि वो उसके साथ क्या करने वाला है, इसलिए मैरी पहले ही अपने फोन का कैमरा ऑन कर देती है। इसके बाद सार्जेंट भी मैरी को घोड़ी बना देता है, लेकिन ये सब कुछ मैरी के फोन में रिकॉर्ड हो गया था। काम खत्म करके मैरी वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो सार्जेंट को वीडियो भेजकर उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा फोन किया तो मैं ये वीडियो डिपार्टमेंट तक पहुंचा दूंगी। इसके बाद मेलिसा और जॉनी वापस घर में आते हैं और कुछ जरूरी सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ महीनों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद मेलिसा वापस से अपने काम में लग जाती है, लेकिन इस बार मैरी ही उनकी जासूसी कर रही थी। इसके बाद मैरी जॉनी से मिलती है और वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर मैरी सार्जेंट से भी मिलती है और उसे सारा प्लान समझाती है। सार्जेंट भी उन दोनों की जासूसी कर रहा था। यहाँ पर मैरी और सार्जेंट एक डील करते हैं जिसमें अगर उन दोनों ने जॉनी और मेलिसा को पकड़ लिया तो सार्जेंट केस से मैरी का नाम हटा देगा और बदले में मैरी उसके वीडियो को डिलीट कर देगी। इसके बाद हम मैरी को उसके रूममेट लिली के साथ देखते हैं। यहाँ पर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो एक पेन कैमरा की हेल्प से मेलिसा और जॉनी के रैकेट को एक्सपोज करने वाली थी। इस काम में सार्जेंट भी उनकी हेल्प करने वाला था। इसके बाद लिली वीडियो बनाकर सार्जेंट और मैरी को दे देती है, लेकिन मैरी वो वीडियो मेलिसा और जॉनी को दिखा देती है और उनसे कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। इसके बाद मैरी उन्हें गन पॉइंट करके एक सुनसान जगह पर ले जाती है। यहाँ पर सार्जेंट भी आने वाला होता है, इसलिए मैरी उन दोनों को कार में लॉक कर देती है और खुद पास के झाड़ियों में जाकर छिप जाती है। थोड़ी देर बाद सार्जेंट वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों के हाथों को खोलकर अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन इसी दौरान जॉनी सार्जेंट पर हमला कर देता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर मेलिसा उन दोनों को शूट कर देती है और गन को सार्जेंट के हाथ में रख देती है, लेकिन सार्जेंट अभी तक जिंदा था और वो मेलिसा को शूट कर देता है। तीनों के मर जाने के बाद मैरी वहां पर आती है और ऐसा सेटअप तैयार करती है जिसे देखकर लगता है कि तीनों ने एक दूसरे को शूट किया है। फिर हम मैरी को एक आदमी के साथ देखते हैं। वो मैरी को मसाज के लिए अपने घर पर ले जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।